विभिन्न मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे तमाम विधायक मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाल टोपी में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसमें तमाम नेता जो है वो मौजूद हैं। राम गोविंद चौधरी जी नेता विरोधी हैं, विरोधी दल हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? आज तो सदन का पहला दिन है। प्रदर्शन करने का मतलब है चौधरी चरण सिंह देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले नेता थे। आज सरकार संविधान में विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, धान नहीं किसानों का खरीदा जा रहा, 8 रुपया 9 रुपया पर बिचौलिया खरीद रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, पेपर आउट करा दे रहे हैं, पुलिस उत्पीड़न बढ़ गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं। अजय टेनी की बर्खास्तगी को लेकर कई वोट लिए हुए हैं लोग हाथ में कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें या इस्तीफा उनसे लिया जाए। इसलिए कि खुद उन्होंने कहा था कि अगर ये मामला सिद्ध हो जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। मामला सिद्ध हो गया और कोर्ट में दरखास्त भी दे दिया कि 302 का मामला इस पर चलाया जाए, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। न इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त कर दें। अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं करते हैं तो स्वयं जनता प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बर्खास्त करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और तब समाजवादी पर कार्रवाई करेगी। रेड अलर्ट प्रधानमंत्री ने कहा आप लोगों से रहें, लाल टोपी वालों से, इसलिए कि उनको खतरा है। वो लाल टोपी अखिलेश जी का चेहरा देख के उनका रूह कांप जा रहा है कि हमको हटाने वाला आ गया, हमको हटाने वाला आ गया। इसलिए सोते जगते लाल टोपी अखिलेश से उनकी रूह कांप रही है, इसलिए उसको बार बार कह रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल MLC भी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि आए हुए हैं यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसका बैनर जो है वो हाथ में आप लिए हुए हैं, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर। गृह राज्य मंत्री को नैतिकता पर ही इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बेशर्मी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है, जिन किसानों को कुचल कुचल मारा गया और इसके बावजूद भी गृह मंत्री अभी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी पर उतारू है। तो और क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? देखिए, धान के क्रय केंद्र नहीं खुले और धान के किसानों को MSP नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सभी किसानों को MSP की गारंटी दी जाए और सभी किसानों का धान खरीदा जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त है, इन सारे सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं। ये सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। निश्चित रूप से हम अपने किसान मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जाहिर है कि तमाम नेता, तमाम विधायक सब यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और ये लोग जो है वो साफ तौर पर जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर आज जिस तरह से आवाज़ समाजवादी पार्टी उठा रही है वो किसी भी दल ने नहीं उठाया है और लगातार जो है वो ये देखा जा रहा है कि और भी नेता पे यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आज प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है आपने। नहीं, जनता के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है और हम जनता के साथ हैं। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ विधान भवन में आए हैं। सदन से लेकर सड़क तक हमारा संघर्ष 4.5 साल से जारी है। श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार आह्वान किया कि ये सरकार जाएगी, चूँकि ये जनता के खिलाफ सरकार है, जनता को इसने तबाह किया है, जनता को धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है, विकास रुका हुआ है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, गरीब जनता मारी जा रही है, किसानों के साथ धोखा है, बेरोजगार नौजवान भटके भटके घूम रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आज से जो ये शुरू हुआ है यहाँ पर विधान भवन का हमारा आंदोलन, ये जारी रहेगा और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी,
श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और तभी जनता की भलाई का काम शुरू होगा। अहमद हसन साहब से बात कर लेते हैं। सर, आज प्रदर्शन करने के लिए ये आखिरी सदन है आज इस सरकार में, अब नया सदन का गठन होगा, नए विधानसभा गठित होगी, उसके बाद जो है वो नए सिरे से सत्र शुरू होगा। इस बार माना जा रहा है कि ये आखिरी सत्र है, आप लोग इस सत्र में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कमियाँ रह गई सरकार में? सरकार, भाजपा सरकार 4.5 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया, किसान बर्बाद हो गया है और महंगाई आसमान पे है। नौजवान नौकरी के लिए मांगता था, उस पर लाठियां दी गई हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, औरतें सुरक्षित नहीं हैं, गुंडे और माफिया जो है वह हावी है गुंडे सरकार पे, इसलिए यह विकास कार्य ठप है। जनता बहुत नाराज है क्योंकि इन्होंने पूरा काम नहीं किया, धोखा दिया जनता को, इसलिए जनता 22 के इलेक्शन के लिए तैयार है, वो समाजवादी पार्टी को लाएगी और उसके बाद इस प्रदेश का विकास होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने तमाम बड़े नेताओं को सुना जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, इन्होंने साफ तौर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है, चाहे फूलन देवी पर टिप्पणी का मामला रहा हो, चाहे महंगाई का मामला रहा हो, चाहे अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी का मामला रहा हो, शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, क्रय धान केंद्र जो नहीं खुले हैं, धान क्रय केंद्र उनका मामला रहा हो, जातिवार जनगणना का, तो इस तमाम मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर आज ये सारे के सारे विधायक और MLC सब के सब धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन रहे हैं, और तमाम नेताओं का यही कहना है कि यह प्रदर्शन इनका अनवरत जारी रहेगा, सपा सरकार बनने के बाद ही इन सारे मुद्दों का हल निकल सकेगा। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।